नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर, इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे हमारे देश के एक बहुत ही बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है और हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में चलने वाली है। तो दोस्तों, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसकी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी थी कि जो वाइडक्ट है, गर्डल लॉन्च होने से जो पूरा रास्ता बन रहा है, वाइडक्ट तैयार हो रहा है बुलेट ट्रेन का, उसका 100 किलोमीटर का जो अचीवमेंट हुआ था 2023 के एंड में, उसकी जानकारी देते हुए बहुत खुशी भी हुई थी। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को ये बताते हुए कि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो 508 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें 352 किलोमीटर का सेक्शन गुजरात में पड़ता है, 156 किलोमीटर का सेक्शन हमारे महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली में पड़ता है, इस सेक्शन में जो लैंड एक्विजिशन है वो 100% कंप्लीट अब हो चुका है ऑफिशियली, जिसमें अश्विनी वैष्णव सर ने जानकारी देते हुए बताया है कि लैंड एक्विजिशन 100% हो गया है, जिसके अंदर 1389.49 हेक्टेयर जो भूमि है उसको एक्वायर कर लिया गया है। गुजरात में 951.14 हेक्टेयर, दादरा नगर हवेली में 7.90 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 430.45 हेक्टेयर, तो ओवरऑल 100% अब हमारा लैंड एक्विजिशन हो चुका है। लैंड एक्विजिशन ही था जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था सरकारों के बीच में, जो लड़ाई चल रही थी। जब सरकार नहीं आई तो उसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट में अब तेजी आई है। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है लैंड एक्विजिशन की वजह से ही। अब दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पियर कास्टिंग, पियर खड़े किए जा चुके हैं 268.5 किलोमीटर के सेक्शन में, काफी तेजी से पियर खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी अश्विनी वैष्णव सर ने बताया है कि जो गर्डर लॉन्चिंग काम है वो 120.4 किलोमीटर का हो चुका है, और यहां से हम लोग आप समझ सकते हैं, ये इंडिकेशन क्लियर है कि जो वाइडक्ट है वो भी 120 किलोमीटर को टच करने वाला है। और ऑफिशियली जल्दी ही NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भी इसकी जानकारी जल्दी ही दे देगा। तो जरूर से आप लोगों को मैं बताता रहूंगा अपने चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।